डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर अब विवाद बढ़ने लगा है। फिल्म में काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाए जाने के बाद अभिनेत्री के उल्टे सीधे बयानों को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर रामनगरी के संत धर्माचार्यों ने भी कड़ी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने फिल्म के निर्माता को धमकी तक दे डाली है। देखिए पुजारी राजू दास ने क्या कहा। एक फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा माँ काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो, तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है, ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे।